केंद्र सरकार ने झारखंड के आईएएस पूजा सिंगल से जुड़ी मनरेगा घोटाले से जुड़ी सात रिपोर्ट मांगी है। 15 मई को केंद्र सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है। एक बार फिर से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार से एक रिपोर्ट की मांग की है। 25 दिन पहले ही रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक नहीं भेजी गई है। मालूम हो कि ईडी ने खूंटी में 18.8 करोड़ के मनरेगा घोटाले मामले के साथ ही चतरा में मनरेगा में लगभग 6 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच शुरू की है। दोनों गड़बड़ियों के समय आईएएस पूजा सिंगल संबंधित जिलों की डीसी थी। अब ईडी इन मामलों की नई सिरे से जांच कर रहा है। चतरा में 2007-2008 में मनरेगा की राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। मनरेगा की राशि से 6 करोड़ रुपए दो एनजीओ को दिए गए थे। यहाँ आपको बताते चले कि इन सभी मामलों की जाँच राज्य सरकार ने कराई थी। इन मामलों में डीसी पूजा सिंगल को क्लीन चिट दे दी गई थी। आईएएस एपी सिंह ने जांच की थी, जिससे पूजा सिंगल को क्लीन चिट मिली थी। फिलहाल अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या करती है।